राणा, निर्मल जी बोथरा और कैबिनेट मेंबर रेखा जी इस तरह काफी लोग यहाँ उपस्थित हैं। नरेश जी तारुका हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, काफी लोग उपस्थित है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, पार्थोदा का विशेष करके करता हूँ कि इन्होंने काफी प्रयास किया इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। निर्मल जी का सहयोग तो अतुलनीय है ही, तो मैं यही कहना चाहता हूँ हम लोग सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं और काफी काफी कुछ काम करते हैं और लोगों का जो बेनिफिट हो सके इसी के कल्याण की भावना को रखते हुए काफी जूम मीटिंग पहले भी की है। और अभी ये जो कि पेंडेमिक का टाइम है और हम लोग सब घरों में ही है, पर ये जो नया आविष्कार हुआ है आज ये जूम के माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और ये मीटिंग कर रहे हैं, घर बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई के टाइम की कोई हानि नहीं हो रही है और आराम से हम लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से अपने व्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको ही देखते हुए हम लोगों ने आज का जो कार्यक्रम रखा है, डॉक्टर साहब हमें बहुत कुछ बताएंगे, उनका जो पूरा परिचय है उसके लिए मैं निर्मल जी को बोलूंगा, वो उनका अच्छे से परिचय देंगे ताकि सबको अच्छे से मालूम पड़े हमारे जैन समाज के डॉक्टर भी है। और एक ये भी इतना बता सकता हूँ कि ये काफी काइंड हार्टेड भी है, हमारे जो साध्वी प्रमुखा जी है कनक प्रभा जी, जिनका हिप का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इतनी एज में 80 के ऊपर भी एज थी, हाँ। तो इस तरह हम लोग इस तरह का कार्य आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब का परिचय के पहले ये निर्मल जी से कहूंगा डॉक्टर साहब परिचय दे दें, इसके बाद हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कार्यक्रम को शुरू करें। और उसके पहले दो शब्द हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है श्री कैलाश जी अग्रवाल है, उनसे निवेदन करूंगा कि दो शब्द बोले और फिर निर्मल जी हमारे डॉक्टर साहब परिचय देंगे और डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। हाँ, सबको आवाज आ रही है सर? वो मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, ये मेरा फर्स्ट वर्चुअल शो है और मैं दिखा रहा हूँ आपको और आपका देख रहा हूँ। मैं तो टेक्निकली थोड़ा साउंड नहीं हूँ, मेरा पोता और पोती दोनों बैठे हुए हैं पास में, उनसे हेल्प लिया है, उनकी का ये वीडियो है जिससे मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को सभी को बधाई और पूर्व करकरा नागरिक परिषद में सभी एक्टिव मेंबर्स और जो अच्छे अच्छे कार्य हमारे हुए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप जो चल रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही काफले तारीख है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग उम्र के हिसाब से निकल नहीं पाते घर से, फिर भी एक्टिविटी देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। सभी को धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अशोक जी जैन आगे काम करते रहें, बढ़ते रहें, सभी को प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे की कार्रवाई शुरू करवाई जाए। थैंक यू, धन्यवाद अग्रवाल जी। अब मैं चाहूंगा निर्मल जी डॉक्टर साहब का पूरा परिचय दें और इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर धीरज मरोठी अहमदाबाद रहते हैं अभी, और ये बोर्न एंड ब्रॉट अप नोखा राजस्थान। परिचय होगा तो बार बार उससे इच्छा करेगा कि बात करने का, और डॉक्टर का ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर अगर बातचीत अच्छी करता है तो आधा इलाज तो है। तो डॉक्टर साहब ने MBBS बीकानेर से की और फिर MCH ऑर्थो UK से किया, इसके बाद उन्हें रनावत फेलोशिप US से किया और उनको अवार्ड भी 2007-08 में मिला वहां से, और KT ढोलकिया अवार्ड 2014 US में मिला, USA से मिला। ये इंटरनेशनल
विजिटिंग फैकल्टी है, पढ़ाते भी हैं ये एमसीएच ऑर्थो स्टूडेंट्स को यूके में, और मोर देन 15,000 15,000 से ज्यादा ऑपरेशन आज तक कर चुके हैं। और इनकी जो नई टेक्नोलॉजी है वो आर टू आर टेक्नोलॉजी है, वो आर टू आर के बाद में तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे, स्टिचलेस सर्जरी करते हैं। मेरा भी ऑपरेशन हुआ घुटनों का और आज कोई भी तकलीफ नहीं है। पहले मैं सोचता था ऑपरेशन से, हर आदमी की यही धारणा है कि ऑपरेशन को अवॉइड किया जाए, परंतु मेरी ये धारणा है कि ऑपरेशन का एक आ जाए तो आदमी को ऑपरेशन करना चाहिए। और आपका जो आप कोई हर टाइप का इलाज करते हैं, कोई आदमी आपको बोलेगा इसको दिखा लो, कोई बोलेगा उसको कर लो, कोई बोलेगा तेल मालिश कर लो, कोई बोलेगा एक्सरसाइज कर लो, परंतु एक स्टेज आने के बाद वो ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। और वो डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि किस स्टेज में आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए कि आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। इनका रेस नी क्लिनिक अहमदाबाद में है, अहमदाबाद भी ऑपरेशन करते हैं और जयपुर में भी है और भी कई जगह जाते हैं। कलकत्ता इनका विशेष प्रेम है और कलकत्ता में सबसे ज्यादा पेशेंट है इनके, और महीने में पहले तो महीने में 2-3 आते थे, अभी पेंडेमिक के कारण से 6 से नहीं आ रहे हैं, फिर भी फिर ये शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वातावरण ठीक हुआ और डॉक्टर साहब का मन यहाँ है, मैं सोचता हूँ कि जरूर यहाँ आएंगे। और कम से कम पूर्व कलकत्ता नागरिक परिषद जो लेकटाउन बांगुड़ और नॉर्थ कलकत्ता की ये संस्था है, इसमें बहुत से हमारे साथी लोग हैं जो उनको जरूरत है। और हम लोग पूर्व कलकत्ता नागरिक परिषद में एक बहुत ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, अशोक जी जैसे कर्मठ व्यक्ति हैं, उनका पीआरओ बहुत अच्छा है और वो लोगों का भला करने में उनकी चिंतन रहती है। मेरे को कई बार बोलते हैं कि ये काम अच्छा नहीं लगता, परंतु मेरे जहन में घुस गया है, मेरे को करना ही पड़ता है। तो वो बात है कि अशोक जी इस काम में बहुत माहिर है और डॉक्टर साहब से बराबर परिचय होता रहेगा। और ये अशोक जी बोल रहे थे कि हम लोगों के पेशेंट्स को कुछ डिस्काउंट दें, तो डॉक्टर साहब से अनुग्रह ये देते रहते हैं, यहाँ 2,000 लेते हैं, अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसे ही देख देते हैं। तो ऐसे भी अपने पूर्व कलकत्ता के नाम से या अलायंस के नाम से जाएंगे तो डॉक्टर साहब जरूर कंसेशन करेंगे। आप एक बार डॉक्टर साहब से मिलिए, आपको मजा आएगा। आज का लेक्चर भी आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर सुनिए। मैं डॉक्टर साहब का अपने आप डॉक्टर साहब को आपका परिचय अपने आप आधा घंटा अगर सुनेंगे तो आपको परिचय का पता चल जाएगा। नमस्कार निर्मल जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, थैंक यू। वॉइस आ रही है मेरी सबको? एकदम आ रही। सबसे पहले मैं दोनों संस्थाओं को लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1 और पूर्व कलकत्ता नागरिक परिषद और से सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूं। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम लोग मिल रहे हैं और प्रयास के लिए निर्मल जी बोल रहा है तो ठीक है, अभी काफ़ी एक्टिव है, हमारे लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं। अशोक जी जैन हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, हमारे समाज के हैं। कैलाश जी को मैं गेस्ट ऑफ ऑनर को धन्यवाद, उन्होंने काफ़ी अच्छा और शॉर्ट नोटिस में अपना टाइम निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब वर्चुअल में काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो मेन वर्किंग रहेगा वो है कि कैसे हम इस पेंडेमिक से अब बाहर आए और कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। और जो बात इन्होंने कही कि अपने संस्था चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं और डिस्काउंट की बात है, वो सब की चिंता नहीं करें। आप जब भी बोले आप कलकत्ता आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, जिनको दिखाना है हम वहाँ फ्री देख लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी मेंबर्स हैं, लेकिन विद अपॉइंटमेंट, ताकि विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं देख रहे हैं।
तो अपॉइंटमेंट पार्थो चटर्जी आपसे मिलेंगे और जो भी लोग मिलना चाहेंगे उनको अपॉइंटमेंट देके देख लेंगे। मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं अभी। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सबको? तो अगेन लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के साथ में तो मैंने अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे और 7-8 कार्यक्रम कर चुका हूँ। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल नेपाल के साथ में भी हमने कार्यक्रम किया है, यहाँ किया है, बॉम्बे में भी किया है। और आज का जो प्रेजेंटेशन है, कैसे हम जॉइंट पेन और स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। हम वेबिनार को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है कैसे स्ट्रेस कम हो, दूसरा पार्ट जॉइंट पेन बैकएक को कैसे एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है, चौथा पार्ट है जिनको आर्थराइटिस है उनको क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और लास्ट में 10-15 मिनट्स हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। देखिए अभी हम चारों तरफ जो न्यूज सुनते हैं और जो टीवी चैनल पे न्यूज चलती है, ये हमारे सबसे बड़े रीजन है लो वाइब्रेट रीजन का। कोई भी पेंडेमिक होती है वो स्टेज 5 में जैसे अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट 6 मंथ से, तो अब हर जगह नॉर्मलेसी आ गया है, सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि हमारी इम्यूनिटी लो होती है? तो उसका कारण है लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन कैसे, जैसे हम मेंटली फिजिकली हम फटीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, एक अननेसेसरी हम एक फियर डर लेके चल रहे हैं। दूसरा स्ट्रेस और एंजाइटी है वो बिजनेस और इकोनॉमी को लेके है, और दूसरा हम खान पीन का ध्यान नहीं रखते, और उसकी वजह से काफी कम्युनिटीज में स्मोकिंग और एल्कोहल की परसेंटेज भी इसकी वजह से बढ़ जाती है। लो वाइब्रेंट प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल्स है, जेल्स है, बार है, फ्यूनरल्स है, बेसमेंट्स अंडरग्राउंड है, वहां हमें मिनिमाइज करना है, हमें नहीं जाना है। जो चीजें हम हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। वो सबसे बड़ी चीज है कि जो ये न्यूज में दिखाते हैं वेव्स ऑफ सेकेंड वेव कब आएगी, थर्ड वेव कब आएगी, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें ये ध्यान रखना, आवाज साफ नहीं आ रही है डॉक्टर, एक सेकेंड। एक सेकेंड, थोड़ा नेट का इश्यू लग रहा है। अभी ठीक है? अभी वॉइस ठीक है? हेलो, ठीक है डॉक्टर साहब? अभी वॉइस सही आ रही है ना? हाँ सर। ठीक आ रही है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन का मेन कारण है वो हमारा वर्क ओवरलोड और जो जॉब डिस्टरबेंस है उसकी वजह से है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिन लोगों को थायराइड है, विटामिन B12 से, जिन फीमेल्स का अराउंड 45-50 के बीच में है, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में रहते हैं, उनको हार्मोनल का चेंजेज रहता है, उनको ध्यान रखना है। और जिन लोगों को डायबिटीज है वो डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, जिन लोगों को स्लीप का डिस्टरबेंस है वो उनको ध्यान रखना है कि नींद बराबर लेनी बहुत जरूरी है। नींद लिए बगैर हम टाइम पे नींद नहीं लेंगे तो भी दिक्कत है। खाने का ध्यान रखना है, खाने की पोजीशन टाइम पे होनी चाहिए और अपना जहां तक हो होममेड कुक खाना ही खाना है। जो चीजें हमें गाइडलाइन मिल रही है अकॉर्डिंग टू एवरी अनलॉकडाउन हमें ध्यान रखना है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, लाइफ नॉर्मल हो गई है, हम घूमना फिरना चालू कर दिए हैं, तो हमें मास्क
कंपलसरी लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये चीजें हमें अपने आप को वाइब्रेंट कौन कौन सी चीजें अपने को हाई रखेगी, तो सबसे जरूरी चीज है वो है आपको अपने फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहेंगे, गेम्स खेल सकते हैं, हेल्पिंग कर सकते हैं एक दूसरे को, जो हॉबीज है आपकी जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, गेम्स, योगा, सबसे जरूरी चीज है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमें कोई भी धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे कोई भी हो, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें सबसे पहले सिखाई जाती है मेडिटेशन के लिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सांस की एक्सरसाइज है वो सबसे जरूरी चीज है, योगा मेडिटेशन सबसे जरूरी चीज है। हमें हर मेंबर को 10 मिनट्स के लिए योगा मेडिटेशन अपनी लाइफ स्टाइल में डालना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, सांस को खींचना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग। ये कोविड के टाइम में हमारा सबसे बड़ा जो ऑर्गन इम्पैक्ट हो रहा है वो है लंग्स, तो हमें लंग्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो हमें रेगुलर करनी है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो सबसे बेस्ट है। और बाकी हम 10 से 15 मिनट हम अपने आप को मेडिटेट करें, योगिक क्रियाएं करें और ध्यान करें, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारी काफी चीजों का वर्क एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है, योगा प्राणायाम रेगुलर करना है, नियमित करना है, जब समय हो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, नेगेटिविटी बिल्कुल अपने लाइफ में नहीं आने दें, ये सबसे जरूरी चीज है। हमें क्या होता है कि जो चीजें नहीं आने वाली है, टीवी है, न्यूज चैनल्स है, इनको मिनिमाइज करना है, बहुत कम देखना है, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, जहां पे हमारी प्रॉब्लम शुरू क्यों हो रही है। काफी लोग जॉब घर से कर रहे हैं, काफी ऑफिस में भी अपने चेयर की पोस्चर ध्यान नहीं रखते, चेयर की कंडीशन पता नहीं है, और उसकी वजह से बैक एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है। आज अभी हमारे पास में इतने मेंबर जुड़े हुए हैं, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी थर्ड मेंबर को कोई न कोई कमर दर्द, घुटना दर्द, कुल्हे का दर्द होता ही होता है। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है वो हम डिस्कस करते हैं। चेयर के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, क्योंकि हमें पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हम टीवी के सामने क्रिकेट मैच देख रहे हैं, जैसे अभी IPL है तो 4 घंटे देख रहे हैं, यदि आप इस कंडीशन में रेगुलर देखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होने का निश्चित है कि गर्दन की प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बैकएक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा पोस्चर सही है। बच्चों की बैकएक की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने लगी है, और चाइल्ड ओबेसिटी भी इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे टीवी के सामने बैठे खाना खाते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उसने कितना खाया है, और जंक फूड ले रहे हैं, वो सबसे डेंजरस चीज है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर दिखेगा, कोई सपोर्ट नहीं है बैक में और इस पोस्चर में, तो ये पोस्चर में हमें नहीं बैठना है, हमें हमारी कमर का ध्यान रखना है। कमर के पोस्चर जहाँ, यहाँ देखिए ये लेडी बैठी है, बड़ी चेयर है, और ये बैक पूरा का पूरा अनसपोर्टेड है। हमें किस तरह बैठना है ये मैंने इस पिक्चर में दिखाया है, देखिए बैक हिप जॉइंट पूरा 90 डिग्री, एल्बो भी सपोर्टेड रहना है, क्योंकि अब हम जो चीज नहीं चाहते थे वो हो रहा है, कंप्यूटर के सामने मैक्सिमम बैठना पड़ रहा है, सबको बैठना पड़ रहा है इंक्लूडिंग किड्स, बच्चों की क्लासेज भी ऑनलाइन हो रही है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए चेयर टेबल कम्फर्टेबल है या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों में भी, चाइल्ड में भी बैकएक पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ये हाइट के हिसाब से चेयर नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पोस्चर बच्चों का प्रॉपर हो। ये देखिए यहाँ पे बच्चे के अपर बैक और लोअर बैक दोनों पे प्रेशर आ रहा है, तो हमें क्या करना है ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट दिया है, पीछे सपोर्ट दिया है, इवन पैरों पे भी सपोर्ट दिया है। उसका कारण ये है कि यदि आप सपोर्ट नहीं देते हो तो आपका बैकएक
बढ़ता जाएगा और बैक पे स्ट्रेस आएगा, क्योंकि बच्चों की क्लासेज लंबी चलती है और उस लंबी चलने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमें क्या करना है, ये एक एक्सरसाइज मैंने बताई है, ये एक्सरसाइज आप नियमित रूप से बच्चों को कहिए, जब भी क्लास के बीच में टाइम मिलता है ऑनलाइन तो उसके अंदर आप ये एक्सरसाइज नियमित रूप से कर सकते हैं, ताकि आपके बैक को मसल्स को रिलैक्स होगा। दूसरी प्रॉब्लम आ गई है वो है हमारे लिए, वो है मोबाइल यूज। मोबाइल का एक है कि अब हम मना भी नहीं कर सकते, बच्चों को क्लासेज मैक्सिमम स्मार्टफोन पे ले रहे हैं, हम भी लेक्चर इसी पे ले रहे हैं और सोशल मीडिया, गेम, मूवीज सब कुछ इसी पे चल रहा है। तो हमारी गर्दन की पोजीशन सीधी रहनी चाहिए, मोबाइल सामने रहना चाहिए। जहां तक हो बच्चों को बोलिए कि यदि आप क्लासेज उस पे लेते हैं तो मोबाइल का स्टैंड पे क्लास मोबाइल रखें, ताकि वो आपके सामने रहे, गर्दन झुकी हुई नहीं रहे। ये गर्दन की पोस्चर यदि ऐसे रहती है तो गर्दन की वर्टिब्रिज पे पूरा हेड का 9 times फोर्स गिरता है और उसकी वजह से आपकी फ्लेक्शन इंजरी हम बोलते हैं मेडिकल साइंस में, वो उसकी होने के चांसेज रहते हैं। यहाँ देखिए इस बच्चे के गर्दन पे प्रेशर आ गया और उस गर्दन के प्रेशर की वजह से गर्दन के पीछे और आगे के पोर्शन में, यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, यहाँ पे शुरू में पेन शुरू होता है, फिर रेडिएटिंग पेन आता है, धीरे धीरे दर्द अपने अंगुलियों में भी आ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब ये अंगुलियों में दर्द आने लग गया मतलब नस प्रेशर स्टेज 3 आ गया है, तो हमें वहां तक नहीं जाने देना है। सबसे जरूरी चीज है पोस्चर, आपका पोस्चर। यहाँ देखिए मैंने ये फीमेल का पोस्चर दिखाया है, ये देखिए बिल्कुल रॉन्ग पोस्चर है, पूरा का पूरा ढीले खड़े रहने की वजह से गर्दन और कमर दोनों पे प्रेशर आता है। हम इसे हिंदी और मारवाड़ी में, गुजराती में बोलते हैं कुबड़ निकल जाना, और ऑर्थोपेडिक वर्ड में हम बोलते हैं, ये लंबे समय तक यदि ऐसे रहती है तो ऐसे कुबड़ निकल जाती है, तो हमें ऐसे नहीं रहना, स्ट्रेट रहना जरूरी है। ये दूसरी कुछ पिक्चर्स दिखाई है जिसमें हेड पोस्चर फॉरवर्ड फ्लेक्शन इंजरी हो जाती है। यहाँ पे मैंने देखी ग्रीन लाइन है, हमारा कान, शोल्डर और बॉडी तीनों एक लाइन में रहना चाहिए, तो ये काइफोटिक एंड लॉर्डोटिक डिफॉर्मिटी बोलते हैं, वो हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग आपको टॉकिंग में भी कहते हैं आजकल आपकी कमर सीधी नहीं रहती है, तो हमें उस पर ध्यान देना है, गर्दन की पोजिशन पे ध्यान देना है। ये कुछ कसरत है जो गर्दन की कसरत है, जिसे स्विंग टक एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसे करके आपको 90 डिग्री पे इसको खींच के आगे आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है। ये देखिए मैंने यहाँ मार्किंग के साथ दिखाया है, रेड डॉट्स के साथ में, ये आगे जाती है गर्दन, पीछे खींच के लाना है। दूसरी सिंपल एक्सरसाइज है, अपने को कंधों को ऊपर खींचना है, ढीला छोड़ना है, कंधे को ऊपर खींचना है, ढीला छोड़ना है। इससे क्या है कि आपकी स्पाइन सर्वाइकल मसल्स है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स है, वो रिलैक्स हो जाती है। जो एल्डरली पर्सन है उनको आप सपोर्ट के साथ में ये एक्सरसाइजेस, नहीं तो खड़े खड़े एक्सरसाइज नहीं करें, बैठ के एक्सरसाइज करें, ताकि कभी बार गिरने का भी डर रहता है। ये मैंने शोल्डर मूवमेंट इसलिए दिखाया है कि ये नॉर्मल मूवमेंट आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका हाथ पीछे तक जा रहा है या नहीं, उल्टा घुमा के पीछे यहाँ पे दूसरे स्कैपुला को टच हो रहा है कि नहीं, ये शोल्डर मूवमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका शोल्डर मूवमेंट बराबर है या नहीं। जिन लोगों को शोल्डर जाम हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, बहुत एडवांस स्टेज जाने के बाद में पता चलता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि राइट टाइम पे हमें एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। टेबल का सपोर्ट लिया और हाथ के गोले से बड़ा गोला घुमाना है, ये ध्यान रखें। और दूसरी ये एक्सरसाइज दीवार के सारे धीरे 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 आपको हाथ ऊपर लेके जाना है, ये एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तीसरी मेजर प्रॉब्लम गर्दन की है, वो है गर्दन में तकिया, पिलो, पिलो की थिकनेस की वजह से। पिलो की थिकनेस यदि ज्यादा है तो आपकी गर्दन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि गर्दन की हाइट है वो आपकी हर पर्सन की अलग अलग होती है, उसके हिसाब से तकिया कितना मोटा कितना पतला लेना है, एडिक्वेट हाइट का
तकिया लेना है, थिकनेस का लेना है, नाप ज्यादा पतला ये भी गलत है, ये मोटा है वो भी गलत है, तो हमें तकिए की पोजीशन ध्यान रखना है। जो चीज आप नहीं चेंज कर सकते वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिकली जो प्रॉब्लम है जिनको, वो आप चेंज नहीं कर सकते। बढ़ती हुई उम्र है, ये देखिए उम्र के मैंने चार स्टेजेज बताए हैं, बचपन, यंग, मिडल एज और एल्डरली पर्सन, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते। उम्र हर पर्सन की बढ़ती जाएगी, वो चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आज का लेक्चर का हमारा मेन मुद्दा ही है कि हम कैसे अपने आप को मॉडिफाई करें, और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, वर्कआउट के छोटे टारगेट रखिए बिगनिंग में, ताकि आप अचीव करें। ऐसा नहीं नीरज मरोठी ने आज बोला है और कल से हमने 5 किलोमीटर दौड़ना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी हर बॉडी का अपनी टेंडेंसी होती है और कितने समय आप चल सकते हो, उसके लिए एक सिंपल प्लानिंग करें। मंडे को मेरे को क्या करना है, कार्डियो करना है, सेकेंड डे अपर बॉडी करना है, फिर एब्स करना है, कोर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना है, एरोबिक्स करना है, जिम करना है, स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है। आप पूरा वर्कआउट का एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल बना के और छोटे छोटे टारगेट रखिए, और उस टारगेट के लिए सबसे जरूरी है कि आपको टाइम पे उठना, आपको सुबह उठना है, शाम को पहले से ही ये सारी चीज वर्कआउट एसेंशियल जो भी है, आपको जिम जाना है, शूज है, किट है, आपका सब कुछ, वाटर बॉटल सब रेडी रहना चाहिए नाइट में। हर बंदे के पास में ऐप है, तो ऐप पे हमें टारगेट डिसाइड कर लेना है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आप पहले ही दिन अपना टारगेट अचीव कर लिया, सेकंड डे टारगेट अचीव कर लिया। धीरे 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 हमें टारगेट बढ़ाने, कोई भी एक्सरसाइज करो, जिम करो, उसमें सबसे जरूरी चीज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उससे पहले आपको स्वेट सेशन में बोलता हूँ, आप अपने आप को स्ट्रेच करना है ताकि लिगामेंट और मसल की इंजरी नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि काफी लोग जिम जाते हैं और उसकी वजह से उनको लिगामेंट इंजरी हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले ध्यान रखना है कि कौन सी एक्सरसाइज। मैं एकदम सिंपल आपको बताता हूँ, 5 सूर्य नमस्कार कर ले। यदि कोई भी आप जिम जा रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी गेम्स खेल रहे हैं, उससे पहले आप 5 सूर्य नमस्कार कर ले, ताकि आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाती है और कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए अपने आप को रेडी कर लेती है। मेरे एडवाइस मानिए, सिंपल है, 30 मिनट आपको बॉडी मॉर्निंग वॉक की अपने कलीग और आप रेगुलर करें। अभी हमारा लाइफ नॉर्मल आ गया है, शॉपिंग भी कर रहे हैं लोग, शॉपिंग मॉल भी जाना पड़ता है, ऑफिस भी जा रहे हैं, हमें स्टेयर्स का यूज करना है, सीढ़ियों से जाना है। सीढ़ियों से जाने का 2 फायदे हैं, एक तो आपका एक्सरसाइज होगी, दूसरी आप क्लोज कंपार्टमेंट लिफ्ट को अवॉइड कर सकते हैं और इन चीजों से, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। योगा प्राणायाम की बात करता हूं, तो जमीन पे बैठ की बात करते हैं, तो काफी लोग पलाती मार के जमीन पे नहीं बैठ सकते। एल्डरली पर्सन तो समझ में आता है क्योंकि आर्थराइटिस की वजह से नहीं बैठ सकते, लेकिन हमारे आजकल बच्चों में भी ये एडक्टर टाइटनेस, जिसमें अंदर की थाई मसल्स को एडक्टर मसल्स बोलते हैं, वो टाइटनेस हो गई है। तो क्योंकि हमारे को जमीन पे बैठने की प्रैक्टिस कम होगी, पलाती मार के बैठने की प्रैक्टिस कम होगी, इसके लिए मैंने ये सिंपल 2 एक्सरसाइज बताई है, तो आप खुद कर सकते हैं। अपने ही हाथ से घुटनों को दबाना है, दीवार का सहारा लेके, और उसको स्ट्रेचिंग करना है। 2 to 3 वीक्स लगेंगे डेफिनेटली आपको। ये भी एक पोस्चर है जिससे आप धीरे 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 अपने आप को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये हुई थाई मसल के स्ट्रेचिंग। अब तीसरी मेजर प्रॉब्लम हमारे जो फीमेल्स, मैं वो ऑपरेशन करता हूँ तो 70% फीमेल्स का ऑपरेशन होता है, उसका कारण है हमारे मारवाड़ी फीमेल्स की लाइफ स्टाइल, या इंडियंस की भी बोल सकते हैं। उसका कारण है कि हमने रॉन्ग कॉन्सेप्ट एडप्ट कर लिया, स्टैंडिंग किचन रख ली, और स्टैंडिंग किचन में
वेस्टर्न वर्ल्ड में तो किचन को दिन में 15 से 20 मिनट यूज करते हैं, हमारी फीमेल्स दिन का 80% किचन में खड़ी रहती है। उसमें उनका बैक भी अनसपोर्टेड है और घुटने को पिलर के जैसे यूज कर रही है, तो उसकी वजह से नी आर्थराइटिस और बैक की आर्थराइटिस काफी बढ़ रही है हमारी कंट्री में। तो हमें क्या करना है, इसका मैंने अल्टरनेटिव दिया है, ये चेयर देखिए, इसे बार चेयर बोलते हैं। आपको जितनी देर बर्नर पे काम करना है आपको चेयर पे बैठना है, बाकी समय आप खड़े रह के काम कर सकते हैं। तो बर्नर पे जितनी देर काम करते हैं उसी देर ही खड़ा रहना है, बाकी समय आपको बैठ जाना, बैठने से आपको बैक को भी रेस्ट मिलेगा, घुटनों को भी रेस्ट मिलेगा। एक मेन प्रॉब्लम है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की जहां बात करता हूं तो काफी लोग मेरे को ये बोलते हैं कि मैं क्या खाऊं, कितना खाना चाहिए। निर्मल जी का भी हमारा सजेशन था कि डाइट पे आपको कुछ बोलना है, तो मैंने कुछ स्लाइड डाइट हैबिट्स पे डाला है। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि कौन सी डाइट प्लान आप लें ताकि आप ठीक रहें। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मोटे हैं उनको सबसे पहले काम करना है, हमें शुगर वर्ल्ड को छोड़ देना है। आपका आधा काम तो यही कर देगी, व्हाइट शुगर बिल्कुल नहीं। यदि आपको कहीं लेने की इच्छा है तो शहद ले सकते हैं, अपने गुड़ को जगरी का प्रयोग कर सकते हैं, और या ब्राउन शुगर ले सकते हैं। तभी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, लेकिन कंपेरेटिव अपन करें तो उसमें व्हाइट शुगर ज्यादा रिस्की है। एक चीज और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको कहीं पे भी मील पे जाए स्टार्टर को अवॉइड करना। जो भी ये चीजें पिक्चर में आपको दिख रही है ये आपको मील के इक्वल कैलोरीज दे देती है, तो ये हमें पता भी नहीं चलता, हमने खाना शुरू नहीं किया उससे पहले ही हमने उसकी कैलोरी तो इंटेक कर ली। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन बच्चों में भी, इंडियंस के बच्चों में भी अभी चाइल्ड ओबेसिटी का कारण ये स्टार्टर है। जितनी भी चीजें दिख रही है वो सारी की सारी हमारे को खूब कैलोरी दे रही है और हमारी भूख भी नहीं मिलती, तो हमें ये चीज अवॉइड करना है। जहां तक हो स्नैक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें हमारे लिए कोई तरह से बेनिफिशियल नहीं है और मिनिमाइज करना है। मैं बिल्कुल मना करूंगा कोई नहीं मानेगा, लेकिन इन चीजों को अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है कि इसको कम से कम यूज करना है ताकि हमारी हेल्थ कॉन्शियस रहे और अच्छी हेल्थ रहे। ये मैंने एक डायबिटीज जिनको है उनके मैंने बताया, इवन डायबिटीज नहीं है वो भी ये मील का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट भी खींच के रख सकते हैं। इन चीजों का मैक्सिमम यूज करें, सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, हेल्दी है और हमारी इम्यूनिटी भी रखेगी। तो हमें ये आप स्क्रीनशॉट खींच के रखें, नहीं तो हमें ये आपको मैं बाद में भेज भी दूंगा। ये हमारा डाइट चार्ट है जिसको मैंने 5 में डिवाइड किया है और उसके हिसाब से एवरेज पर्सन को 1400 टू 1800 किलो कैलोरी पर डे इतना ही चाहिए, इतना सफिशियंट है हमारे लिए। तो उसके लिए उसके हिसाब से मैंने ये चार्ट बना के दिया है। बच्चों को ये चीजें केक, पेस्ट्री और चॉकलेट्स अवॉइड करना है, प्रिवेंट द चाइल्ड ओबेसिटी। हम लोग क्या है कि बच्चों का हर चीज एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और उसकी वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है और नेक्स्ट जनरेशन में चाइल्ड ओबेसिटी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए उनको ये चीजों को हैबिट डालिए। ये जो पिक्चर मैंने दिखाई है ये चीजों की मात्रा बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये चीजें हम हमारी लाइफ स्टाइल में ज्यादा बढ़ाएं। पेंडेमिक है, थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी थी ताकि हम कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको झेल सके, उसके लिए ये सब सारी चीजें हमारे इम्यूनिटी बिल्डर है। ये नॉर्मल डाइट मैंने दिखाया, ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, आफ्टरनून स्नैक्स लेना है और डिनर लेना है। हमें ये चीजें अवॉइड करनी है
जहां तक हो फ्रेश मील खाएं, अच्छा खाना खाएं, अभी जितना हो होममेड प्रिपरेशन ले, वो हमारे लिए अच्छा है। काफी लोग हमारे जैन लोग जुड़े हुए हैं इसमें, वो सब जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारा जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, सनसेट से पहले खाना और सनराइज के 2 घंटे बाद खाना, तो हमारे लिए तो वो 13 आवर की फास्टिंग वैसे ही हो जाती है और ये प्रूव्ड है। भी काफी कॉन्सेप्ट भी आ रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो है ओबेसिटी रिड्यूस करने का। कुछ लोग कीटो डाइट प्लान भी देते हैं जिसमें लो कार्ब और हाई फैट डाइट देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके करें। अब आते हैं एक मेजर प्रॉब्लम, दूसरी हमारे जो मेजर प्रॉब्लम है उसमें नॉर्थ ईस्ट में ये पानी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, उसमें हैवी मेटल्स और ये की प्रॉब्लम्स और वाटर में इम्प्यूरिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पानी को असेस कराना है और उसमें कितनी इम्प्यूरिटीज है, और उसके लिए कंपनी विल सजेस्ट यू कि विच फिल्टर इज सूटेबल फॉर यू। तो हमें वही फिल्टर प्लांट लगाना है जो आपकी कॉलोनी आपकी सोसाइटी के लिए सूटेबल है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम पहले के आरओ में आ रही थी उसमें सारा का सारा B12 और मिनरल्स को वो फिल्टर कर देता था, अभी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में फिल्टर आने लगे हैं तो हमें उस पर ध्यान देना है। एल्कलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, तो हम एल्कलाइन वाटर की क्वांटिटी धीरे धीरे हम हमारे डेली इंटेक में बढ़ा सकते हैं, ये अच्छा है। इसमें पीएच लेवल हाई रहता है तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। हम लोग वेजिटेरियंस का मेजर प्रॉब्लम विटामिन D3 और B12 जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत महंगी जांच करते हैं और सबको D3 B12 कम आता है। उसका कारण है कि हमारा नेचुरल सोर्स है सनलाइट, लेकिन हम धूप में बैठना ही भूल गए। हमारे 15 से 20 मिनट हमें हर बंदे को सनलाइट का एक्सपोजर लेना है किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 15 से 20 मिनट हमारे स्किन को सन एक्सपोजर होना जरूरी है, जरूरी, ये ध्यान रखें। और डाइट में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वैसे आपके लिए जो वेजिटेरियंस है उनके लिए तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मशरूम ले सकते हैं, सबसे जरूरी है सन एक्सपोजर। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है तो हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। मेरा स्लोगन है प्रेजेंटेशन का, लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ, इट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्दी जॉइंट। यदि आपके जॉइंट हेल्दी है तभी आप भ्रमण कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे ग्रस्त हो। तो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट मतलब हिप नी एंकल अच्छे रहेंगे तो हम वॉकिंग अच्छे से कर पाएंगे। यदि हम हमारे ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इन जॉइंट में आर्थराइटिस है, तो हमारी वॉकिंग डिफिकल्टी है, पेनफुल है, और पेनफुल हमें नहीं रहना है। तो वर्ड आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम सब जानते हैं व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट्स ए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज। 45-50 से ये शुरू हो जाता है, चाहे गर्दन हो, चाहे बैक हो, चाहे हिप हो, चाहे नी हो, चाहे फिंगर्स हो। तो ये कब अफेक्ट करती है, यूजुअली 45 मैक्सिमम फीमेल्स को, इसका हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे हमें इससे बचा जाए, कैसे इसकी स्पीड है वो स्लो की जाए। तो हम कुछ स्लाइड्स इस पे लेते हैं। किसी भी तरह का पेन हो, चाहे हिप नी और चाहे बैक, निर्मल जी जैसे अपने लेक्चर में बोला कि हमें ज्यादा हमें अपने कंसल्टेंट को डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि शुरुआत में ही आपको प्रॉब्लम है। जैसे देखिए कुछ लोग टेढ़े चलने लग जाते हैं, वॉकिंग करते हैं तो लिंप करके चलते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है या नी में प्रॉब्लम है। मेरा ये कहना है कि आप कंसल्टेंट से राय कीजिए, डॉक्टर से राय कीजिए, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, उसकी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से भी शुरुआत में ठीक हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है,
लेकिन हमें उसको कंटिन्यू नहीं करना है, बिगनिंग में ही हमें डिस्कस करना है। ये देखिए नी की बताओ, नी के तीन कंपार्टमेंट होते हैं, इसमें से ये एक ही कंपार्टमेंट डैमेज हुआ है तो इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे माइंड में एक चीज बैठ गई है कि जाएंगे तो टोटल नी रिप्लेसमेंट ही इसका आंसर होगा, ऐसा नहीं है। नी का प्रॉब्लम है, आप शुरू में डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी से, मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका इलाज हो सकता है। हम लोग कब प्रॉब्लम, ये देखिए तीनों स्टेज मैंने नी की दिखाई, हम कब आते हैं डॉक्टर के पास, सेकेंड और एडवांस स्टेज में। तो एडवांस स्टेज में जब पहुंचते हैं तब हमारे पास में सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं। वैसा ही हिप की, हिप में ये शुरुआत थी, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हुई है, हम उसी समय डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो हमारे को एक्सरसाइज मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। सेम बैकएक के लिए मैं बताता हूँ, बैकएक की प्रॉब्लम हम कब तक पकड़ के बैठे रहते हैं, जब तक उसको प्रॉब्लम पूरे पैर में घिसा आ जाए नहीं, तब तक हमारा दर्द चलता रहता है, हम चलाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। अच्छी क्वालिटी का एक्सरे डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी चीज है, हमें ये डिस्कस करके घुटने का जब भी एक्सरे करें खड़े रख के एक्सरे करवाना है। काफी पिछले 6 महीने से हमने ऑनलाइन कंसल्टिंग दिया है, ये डॉक्टर पार्थो चटर्जी है हमारे कलकत्ता के, इनके नंबर भी मैंने इस पे डिस्प्ले में रखे हैं, ये आप शूट करके रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम 10 तारीख को कलकत्ता आ भी रहे हैं, जिन लोगों को भी कोई डिस्कस करना हो, दिखाना हो, आप अशोक जी से या पार्थो चटर्जी से अपॉइंटमेंट लेके लिस्ट बना के रखें, तो हम जो भी जिसको भी प्रॉब्लम होगा किसी को ओपिनियन की जरूरत सलाह दे देंगे, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और मेरे को एक्सरे रिपोर्ट पहले भी व्हाट्सएप पे डिस्कस कर ली। तो व्हाट्सएप के लिए दोनों नंबर मैंने दिए हैं, इस नंबर पे आप जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है कोई चार्जेज नहीं लगेगा, आप लायंस का और पूर्वांचल एसोसिएशन का नाम लेके आप अपॉइंटमेंट लेंगे, दोनों ही जगह आपको कंसल्टिंग फ्री मिल जाएगी, आप चिंता नहीं करें। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल्स अभी नहीं जाना है, हम क्लिनिक पे आके एक्सरे करा के वहाँ सलाह ले सकते हैं। क्लिनिक्स आर मोर सेफ कंपेरेटिव हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में वायरल लोड ज़्यादा रहता है, क्लिनिक्स में सिर्फ लोग एक्सरे कराने आए निकल गए या ओपिनियन लेने आए निकल गए, तो वहाँ मूवमेंट काफ़ी कम होता है। और हम लोग अभी ऑल सेफ्टी मेजर्स और अपॉइंटमेंट के साथ ही पेशेंट को देख रहे हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत यूजुअली नहीं रहती। जहां तक मैं बैकएक की बात कर रहा था, बैकएक की प्रॉब्लम हमें शुरू से ही कंसल्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको एडवांस स्टेज में आ जाए और पूरे पैर में रेडिएशन पेन आए और उसके बाद में हम लें। तो कहने का मतलब है कि हम कुछ एक्सरसाइजेज में ये बता रहा हूँ वो नियमित रूप से जिनको भी थोड़ी बहुत बैक की प्रॉब्लम है उसको करनी है। 1, 2, 3 ये एक्सरसाइज दिखाई है, कमर को ऊपर निकालना होता था, क्या होगा कि आपके वर्टिब्री का मूवमेंट अच्छा होगा और उसकी वजह से उसकी आर्थराइटिस कम होगी और उसका मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों रहेगी, तो हमें ये एक्सरसाइज करनी। ये बैक के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग में क्या होता है कि आपकी कमर को उठाना है, होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक, फिर ढीला छोड़ देना, ये एक्सरसाइज आप नियमित रूप से कर सकते। कमर को लेटे लेटे हम दोनों घुटनों को इकट्ठे करके सीने की तरफ लेके आए और जो लोग फ्लेक्सिबल है अपने फोरहेड तक टच कर सकते हैं दोनों लिप्स को, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे कमर पूरी रिलैक्स हो जाती है। कमर के लिए ये एक्सरसाइज 15 डिग्री पे दोनों पैर को होल्ड रखना है, फिर नीचे लाना है, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री, फिर 65, फिर 90 डिग्री, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे ले जाना है। कमर ये और हैमस्ट्रिंग मसल के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप नियमित रूप से ये एक एक्सरसाइज मिनिमम 5 टाइम्स जरूर करें। तो ये कमर के लिए हुआ, आप किचन में खड़े हैं, खड़े खड़े भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे हिप मसल्स और बैक की दोनों और नी की भी एक्सरसाइज हो रही है।
तो हमें क्या करना है, पंजों को उठाना है, नीचे रखना है, पंजों को उठाना है, नीचे रखना है, पैर को स्लाइड में उठाना है, नीचे रखना है। किकबैक एक्सरसाइज भी आप खड़े खड़े कहीं पे भी कर सकते हैं, किचन में भी खड़े खड़े आप कर सकते हैं। नियमित रूप से ये एक्सरसाइज भी करें बैक और नी और हिप के लिए। लेटे हैं तब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम है उसी को करना है। हम लोग रूटीन में भी ये एक्सरसाइजेज ये कर सकते हैं। अपोजिट लिम्ब, अपर लिम्ब और पैर और हाथ दोनों को एक साथ उठाना। पैर जिसका नहीं मुड़ता है कोई जरूरी नहीं, आप सीधा के सीधा ही उठा सकते हैं। तो पैर और हाथ को उठा के करना है। फिर ये हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं। नी के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके क्या करना है, हर घर में ये बॉल तो मिलती है, एयर बॉल है, हवा घुटने के बीच में रख के दबाना है। ये आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, घर में लेटे लेटे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये छोटा सा वीडियो है आपको दिखाया है यहाँ पे कैसे घुटने को स्ट्रेंथ करना है। ये मसल घुटने की आपको आर्थराइटिस तो कम नहीं होगी, लेकिन आपके घुटने को मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें दर्द कम होगा। जिनको भी नी पेन है वो नियमित रूप से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जिनको घुटनों में दर्द है, उनका सीधा सा सवाल आता है, डॉक्टर साहब आप तो घूमने की बात करते हो, मेरे से घुटनों से चला ही नहीं जाता। कोई बात नहीं, आपको वेस्ट बंगाल में तो वैसे भी स्विमिंग पूल की फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल है। हमें 30 मिनट, जिनको भी बैक एक है, नी पेन है, उसके लिए सबसे बेस्ट है स्विमिंग पूल में वॉक। स्विमिंग आना जरूरी नहीं है इसके लिए। हमें क्या करना है, कमर के लेवल के पानी में, बच्चों के पूल में, बच्चों के जहाँ खेलने की जगह होती है पानी में, उसी में ही हमें वॉक करना है। और देखिए कैसे, ऐसे ये स्विमिंग पूल में वॉकिंग, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको कोई डर नहीं है रेलिंग पकड़ के, यदि आप 30 मिनट चलते हैं, बिलीव मी, यदि कोई आदमी जिम में 1 घंटा एक्सरसाइज करता है और ये 30 मिनट वॉकिंग करते हैं, कैलोरी बर्न इक्वल होगी। तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है कि हम ऐसे करें। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी चीज है, कोई भी एज ग्रुप हो उसको 40 मिनट की एक्सरसाइज हमें अपनी लाइफ स्टाइल में डालना ही डालना है। मैंने बोला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई एरोबिक जिम कुछ भी करते हैं, उससे पहले हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है टू अवॉइड लिगामेंट इंजरी और मसल इंजरी। तो ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी। वॉकिंग सबसे बेस्ट है, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे महिलाओं का क्या रहता है कि सर ये कब करूँ, ये कब करूँ, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो इसका लास्ट ऑप्शन मैंने ये भी दिया है, ये स्टैटिक साइकिल घर पे परचेज करके ले आइए, बालकनी में आप रख दीजिए और जब भी आपको टाइम मिले आप घर पे बालकनी में भी साइकिलिंग कर सकते हैं। चाहे आपको बैकएक है, चाहे नी पेन है, फिर भी आप नियमित रूप से साइकिलिंग कर सकते हैं। मेरे लेक्चर के बाद में 10-20 साइकिल तो परचेज हो जाती है, और महीने 2 महीने बाद मैं अशोक जी को पूछूंगा कि कितने मेंबर्स कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि उनमें आधे लोगों के घर पे तो उसके ऊपर कपड़े सोख रहे होते हैं। तो हमें का स्टैंड नहीं परचेज करना है, हमें साइकिलिंग करनी है। तो हमारा लेक्चर की यदि हम ये लास्ट स्लाइड भी याद रखे तो हमारा लेक्चर सक्सेस हो जाता है। आप लोगों ने जो एफर्ट किया वो सक्सेस हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी और एक ड्रीम बॉडी बिल्डिंग में बहुत डिफरेंस है। हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम नहीं जाना है, हमें बॉडी शेपिंग के लिए जिम नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी फिटनेस और स्ट्रेचिंग के लिए ही जिम जाना चाहिए। क्योंकि जेनेटिकली आपकी बॉडी का शेप है वो चेंज नहीं होने वाला है, ये मानिए। हमारे क्या कर सकते हैं, फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम फिट और हेल्दी रहें। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा मेन कंसर्न रहता है कि भाई आपका मोटापा कंट्रोल रहे, मसल वीकनेस नहीं आए।
और ओवरवेट की वजह से भी आपको नी आर्थराइटिस, हिप आर्थराइटिस और एंकल आर्थराइटिस, क्योंकि ये तीनों मेन जॉइंट है, इनमें से यदि एक जॉइंट में भी आपको प्रॉब्लम है तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, आप वॉकिंग नहीं कर सकते, तो आपकी कोई भी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है क्योंकि आप चल फिर नहीं सकते। तो हमें ये लंबे समय तक ये कोई नी ब्रेस बताता है कोई भी डॉक्टर, तो नी ब्रेस नहीं लगाना है क्योंकि इससे घुटने की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट डेफिनेटली हम व्हाट्सएप पे अभी बता रहे हैं, और जिनको डिस्कस करना है वो 10 तारीख को आके डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन B12 जिंक अभी आप बगैर पूछे भी ले सकते हैं। बाकी कोई भी पेन किलर्स यदि आपको लेना हो डॉक्टर से कंसल्ट करके ले, ऐसे लंबे समय तक पेन किलर लेने से लीवर किडनी पे इम्पैक्ट आता है और हमें लेना भी नहीं। अदर थेरेपीज और फिजियोथेरेपी आप नियमित रूप से करवा सकते हैं और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। डेफिनेटली मसल्स मजबूत होती है, एक्सरसाइज है, हॉट आइस थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, ये एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, ये कोई भी थेरेपी आप पैथी करते हो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कर सकते। नी आर्थराइटिस की मैं बात करूं तो हमें एक लेवल यहाँ देखिए पूरा का पूरा नी डैमेज हो गया है। ये नॉर्मल नी है, यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू साइनोवियल, ये ग्रीन कलर की कार्टिलेज दिख रही है, ये दोनों के बीच में रहती है, मेनिस्कस है दोनों ग्रीन कलर के, ये अब वॉयलेट कलर का है वो आपकी कार्टिलेज है। धीरे 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 एज के साथ में ये डैमेज हो जाती है, और मैंने इंडिया में 6 साल पहले ये R2R टेक्निक लॉन्च की। इस R2R टेक्निक से मैं सर्जरी करता हूँ, उसमें ये कोई भी चीज़ नहीं होती जो आज भी इंडिया में सब डॉक्टर्स करते हैं, कमर में ट्यूब डालना, ऑपरेशन के बाद में ये देखेंगे आप ट्यूब डाली हुई है, खून का दौरा रोक के सर्जरी करना, और लास्ट में ऑपरेशन के बाद में स्टेपल्स लगाना, जो पिन लगाते हैं वो बहुत पेनफुल रहती है ऑपरेशन के बाद में। जो हमारे R2R टेक्निक है इसमें ये कोई भी चीज हम नहीं करते हैं, उसका कारण ये है इट्स ए न्यूअर टेक्निक, रीसर्फेसिंग टेक्निक है। इस रीसर्फेसिंग टेक्निक 15 मिनट में सर्जरी हो जाती है, 3 घंटे के बाद में ऑपरेशन से चला दिया जाता है। तो ना तो इसके अंदर कमर में ट्यूब डालने की जरूरत है, ना पेशाब की जगह ट्यूब डालने की जरूरत है, ना वुंड में ट्यूब डालने की जरूरत है। कहने का मतलब है ये सारी चीजें कन्वेंशनल जो टेक्निक से करते हैं उनमें जरूरत रहती है, इस टेक्निक में ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट एडवांस टेक्निक है जिससे सिर्फ घिसा हुआ पोर्शन छील के कैप लगा दी जाती है, और इसे R2R टेक्निक बोलते हैं। और इस टेक्निक को इंडिया में मैंने पेटेंट कर रखा है, मेरे नाम से है। और ये इसमें जितना पोर्शन आपका डैमेज है पूरी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, यदि आपका एक पोर्शन ही डैमेज है हम उतना सा छोटे से चीरे में लगा के उतना ही जगह कैप लगा दी जाती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पूरे नी को आपको डैमेज नहीं है तो लिगामेंट वगैरह नहीं कट करना है, आपका नेचुरल नी है वैसा का वैसा रहेगा, आपको पूरा पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं। ये इस टेक्निक का एडवांटेज है। सर्जरी के बाद में आप आराम से नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जो मैं जब इंडिया आया था तो एक सर्जरी में डॉक्टर्स को जब मैं US आया था तब की मैं बात बताऊं तो हफ्ता हफ्ता पर एक सर्जरी में पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। आज की डेट में हम 3 घंटे बाद चला देते हैं और सेकेंड थर्ड डे होम पेशेंट घर चला जाता है। तो ये टेक्निक का एडवांटेज है, फायदा है। बाहर के पेशेंट आते हैं तो वो अपनी इच्छा से 5-4 दिन रुकते हैं, बाकी हमारे को जरूरत नहीं है। और पेशेंट, और हमारा एम ये है कि नेक्स्ट ईयर तक हम डे केयर सर्जरी के जैसे इसको कर सकेंगे, जैसे कैटरेक्ट वगैरह की सर्जरी हो रही है। आराम से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, दोनों घुटने स्वामी जी के मैंने किए थे और मुनिश्री के, तो आराम से पद्मासन भी लगा के बैठते थे ये। तो जहाँ तक सर्जरी और विद सेफ्टी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये कितने लंबे समय तक चलेगा। तो हम जब भी मार्केट जा रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं,
हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट रखना है, तो पूरी सेफ्टी से कर रहे हैं हम लोग भी वर्क विदाउट फियर, और हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी सेफ्टी कंपलसरी है, अपने आप को बचाना है, कम्युनिटी को बचाना है, तो थोड़ी सेफ्टी तो मस्ट है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, मास्क लगा के रखना है। जहाँ तक वो आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं तो जहाँ ऑफिस में काफ़ी समय तक बैठे हैं, फेस शील्ड लगा के रखें, ये अच्छी चीज़ है, प्रोटेक्शन है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है, होगी भी, लेकिन हमें प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अब अपने को फियर दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है, डर निकालने के बजाय आपकी इम्यूनिटी लो होती है। एक तो मैं अशोक जी अब लास्ट स्लाइड पे आ गया हूँ, तो ये हमारे नंबर्स हैं जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ अब अपन क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकते हैं। मैं चाह रहा था कि कुछ दिनों से मेरे भी दाहिने घुटने में थोड़ा दर्द आया है, और मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक्सरे भी करवाया, एक्सरे की रिपोर्ट ये बता रही है कि माइनर चेंजेस इन ओए, और विटामिन डी थ्री की लेवल जो है वो 12.2 आई है। अब हमारे नॉर्थन जी बरवेचा हमारे पास प्रेसिडेंट है, उनको भी काफी प्रॉब्लम है, चाहूंगा वो अपना क्वेश्चन कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार नॉर्थन जी, बोलिए साहब। किसी को कुछ बोलना है? धन्यवाद अशोक जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत नाइस प्रोग्राम। जैसे डॉक्टर साहब का नाम है उसी तरीके से धीरज, उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से चीजों को समझाया, धारावाहिक समझाया उनने, और उनके लिए धन्यवाद एक ही होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं, जितना भी सुने हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि सब कुछ लेके जाए, अगर उनका कुछ भी परसेंटेज या अगर वो यहाँ से लेके जाएंगे, कुछ भी अगर उनको कोई भी चीज अच्छी लगी है और एक चीज भी अपनाएंगे, तो विद इन ईयर वो अपने आप में एक चेंज, एक बदलाव जरूर महसूस कर लेंगे। अब डॉक्टर साहब को असली धन्यवाद वही होगा, आज वो सुन के चले गए और उसको वैसे का वैसा रख दिया, फायदा नहीं होगा, कुछ भी अपनाइए। जो इन्होंने बताए इतनी बातें बताई है, मैं मानता हूँ कि सुनते सुनते सभी इतनी बातें नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी अगर एक बात भी इनकी, चाहे आप एक्सरसाइज की है, चाहे खाने की है, चाहे वो पानी के बारे में बताई है इन्होंने, ऑपरेशन से लोग डरते क्यों है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो घर में रहना पड़ता है 2 महीना, दो महीना पेंडेंस में, इस टाइम में 6 महीना रह चुके हो आप लोग। अब वो तो हैबिट हो गई ना, अब हो गई, अब लोग नहीं डरेंगे ना, हैबिट इतने सबको घर बनाने की।